हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त मोहित, और स्वागत करता हूं एमएस ब्लॉगर के एक और ब्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर के आया हूं, ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स देखना, फिर बताता हूं कहां आया हूं। और उसके बाद मिलते हैं। साहू साहब, क्या हालचाल है? सब बढ़िया, मतलब मजा आ गया यार। एक्चुअली मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी लोकेशन मुझे देखने को मिलेगी। अभी लोकेशन दिखाई बताएंगे नहीं कौन सी है। हाँ तो कोई बात नहीं, हाँ। दिखाओ, देन आफ्टर उसके बाद दिखाएंगे कि जो लोकेशन वो कैसी है। बिल्कुल, तो पहले आज जाके ना वो देखो कौन सी लोकेशन है, मतलब लोकेशन है कितनी प्यारी, फिर लोकेशन कौन सी है, फिर मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है, ओके। तो गाइज, अभी कुछ दोस्तों से मिले हम अपने, तो एक बार इंट्रोडक्शन कराते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोंटी है। माय नेम इज़ राहुल वर्मा। माय नेम इज़ अंकुश। तो भाई भी अब हमारे सपोर्टर हो चुके हैं, हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। वेलकम टू द फैमिली गाइस। थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर, लाइक इट, कमेंट एंड कमेंट। देख लो, अभी बोल दिया तीन लोगों की तरफ से बोला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, भाई के चैनल को सपोर्ट करना है प्लीज, और लाइक और शेयर वीडियो। थैंक यू, बोथ आर गुड गाइस, बोथ आर। वेलकम बैक गाइज, और आई होप आपको थोड़े बहुत जो शॉर्ट्स लिए हैं वो पसंद आए होंगे। और यार क्या बताऊँ, मतलब इतनी प्यारी जगह है ना ये। हाँ, मैं लोकेशन बताने वाला था आपको। इस लोकेशन का नाम है दमन लेक, या फिर इसे दमदमा लेक भी कह सकते हैं, जो कि लोकेटेड है गुड़गांव में ही। बट जहाँ से मैं रहता हूँ, मतलब मैं निर्माण विहार रहता हूँ, तो निर्माण विहार से यहाँ तक का जो सफ़र है बहुत ही लंबा था, और कोई चार्जेज नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, आप पीछे देख सकते हो मेरे, बोटिंग हो रही है, बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर कैमल राइड होती है, कैमल राइड भी करेंगे। मतलब मैं सोच के आया हूँ यार कि लिटरली बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है भाई। और यार मतलब जब निकले थे ना, ऐसे ऐसे रास्ते से आए। साहू साहब, आप बताइए, जब हम लोग आए थे अभी, तो कैसे कैसे रास्ते से आ रहे थे? मतलब यहाँ के जो रास्ते थे, मतलब बहुत ही औसम रास्ते थे। मतलब यार क्या बताऊँ, यहाँ पे हमने बहुत सारे जो खेत है वो देखने को मिले, बट मतलब जो खेत थे ना वो बिल्कुल ग्रीनरी थे, मतलब हरे। मतलब ये सोच लो यार, वो मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैंने पता है भाई से बोला, मैंने कहा भाई साहब यहाँ पर लेते हैं फोटोज क्लिक करने का और शॉर्ट्स लेते हैं यार, मतलब ऐसी जगह। एक मिनट ऐसा करके दिखाओ ना, तो मजा आएगा ना। देखो ना, हमारे पीछे वोटिंग भी हो रही है। मतलब यार इतना बाबा, एक नंबर एक नंबर। तो यार चलो फिर अभी कुछ एक्टिविटी वगैरह करते हैं या वोटिंग करते हैं, तो फिर अगला शॉट आपको वही दिखाते हैं। मुझे पता है, मैंने आप लोगों को बोला था कि अगला शॉट जो है आपको दिखाएंगे कि बोट के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि 100 रुपये यहाँ पे बोट का चार्ज है, बोट का चार्ज है। उसके लिए आपको पर्ची कटानी होगी, और ये अंकल पर्ची काटते हैं, ये वाले अंकल। तो दोस्तों अभी हम लोग चढ़ चुके हैं बोट में, 100 रुपये पैसे दिए हैं साहू साहब और मैंने बोट के 100 रुपये, और कहा था ना अगला नज़ारा बोट में होगा, तो बोट के अंदर आ चुके हैं। ये एक नंबर, मजा आ गया भाई, स्वाद आ गया। मौसम बड़ा औसम है यार, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा मौसम। बिल्कुल अल्टीमेट यार, मतलब जिस हिसाब से मौसम हो रखा था ना सर्दियों का, तो हमें लगा था कि ठंड में अकड़ जाएंगे, सामने देख के बाबा नीरो टकरा जाएंगे सामने, अभी ठोकेंगे किसी को। चलो अब थोड़े से शॉर्ट्स एंजॉय करो यार। अमेजिंग व्यू है, देखने वाला, वर्थ है, कोई दिक्कत नहीं। आओ फैमिली के साथ आना, फैमिली के साथ आओ, अकेले मत आना, दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ। ठीक है, तो वो अभी आपको दिखेगी एक और बोट, वो भी फैमिली के साथ है। से हाय, हाय। एक और बोट ठोकने आ रही है अपने को, टुक गए। और ये देखो, और हमारी बोट ने कुछ अलग ही आवाज निकाली अभी। सो वेलकम बैक गाइस, और फाइनली पानी से बाहर आ चुके हैं। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस मैन?
यहाँ का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो काफी ओसम था, काफी जबरदस्त था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी अच्छी राइडिंग हम करेंगे किसके साथ, मोहित जी के साथ। काफी मजा आया और मोहित जी ने आपको शायद बीच में अच्छे गाने भी सुनाए होंगे जो मुझे नहीं आते बिल्कुल भी। और कुछ चीजें जो अगर मुझसे मिस हो गई होंगी तो आप भाई के चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। ओके ठीक है। कहाँ अभी 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 बताना नहीं है। अच्छा बताना जो चीज़ हम करेंगे ना उस पे बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है तो चले आगे। बिल्कुल। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं ऊँट की सवारी पर। हमारे ऊँट का नाम है बब्बू। यार मतलब व्लॉगिंग करना इज लाइक किसको हो चुका है इस वक्त रोडीज का। क्यों क्या साहब साहब? बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। यार मेरे को तो इनका सोच के लग रहा है बिकॉज मैं पीछे से देख रहा हूँ ना, तो यार मुझे भी डर लग रहा है एंड मैं तो इनका सोच रहा हूँ यार ये आगे बैठे हुए तो इनको क्या फीलिंग आ रही होगी। तो यार अभी एक बार उतर के मिलते हैं फिर बताते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो फाइनली गाइज अपनी कैमल राइड कम्प्लीट हो चुकी है। सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस हाउस साहब? मतलब मजा आया, हॉरिबल था थोड़ा सा, मतलब डर लगा नहीं लगा इसके ऐसा था कि नहीं था? मिक्स था, बिल्कुल डर भी था, मजा भी था और काफी इंटरेस्टिंग भी था। बिकॉज ऐसा था ना कि आपने भी फर्स्ट टाइम करा, मैंने भी फर्स्ट टाइम करा और यार चार्जेस जो है नॉमिनल से है, मतलब दो जने राइड कराते हैं वो 100 रुपीज में। आप देख सकते हो तो कितना ही क्राउड है, मतलब आप फील कर सकते हो एक तरीके से कि यार क्या कहते हैं उसको, मेला, काइंड ऑफ अ मेला। हाँ आप मेले की तरह, मेले की तरह फील कर सकते हो। और आज संडे है, संडे की वजह से यहाँ पे जो क्राउड है बहुत ही ज्यादा आपको करेक्ट जाएगा, जैसे कि इन्होंने अभी कुछ देर पहले दिखाया था यहाँ का जो क्राउड है कैसा है। चलो फिर अब बाहर की तरफ चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत और है कि यहाँ पर इसके अलावा आप और क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, तो वो थोड़ा सा दिखा देते हैं उनके चार्जेस क्या हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जो काफी इंटरेस्टिंग है जो बिल्कुल ऊपर की तरफ है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं ऊपर और देखते हैं कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं। बिल्कुल तो चलिए फिर चलते हैं और आपको फिर ऊपर में दिखाते हैं क्या क्या है। ठीक है तो दोस्तों अभी स्टार्ट होने वाला पबजी द मोबाइल गेम प्ले अपने पास आ चुकी है। कौन सी है? कार 98 नहीं नहीं कार 98 M23 नहीं M24। अच्छा भाई कह रहे हैं M24 है ये, M23 की गन M24 है ये। और अभी अभी करें पट से हेडशॉट। ठीक है तो दोस्तों अभी अभी आपके भाई ने पट से हेडशॉट मारा है और सीधा बलून पे लगाए, लेकिन मतलब प्राइज नहीं है इसका, लेकिन तुम्हारे भाई ने पहले शॉट में गुब्बारा फोड़ा है। अरे ये तो बता दो कौन सी गन है साहब? ओ ये M24 है, M24 है, M24 से मारे अगला शॉट। गोली भर रहा हूं मैं। ओह माय गॉड, एक और फूटा तुम्हारे भाई को पट से हेडशॉट। तो फाइनली अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के बाद यहाँ पर भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो भी चार्जेबल हैं इफ़ यू वांट टू डू देम, तो आ सकते हो। चार्जेस तो आपको यहाँ आकर के पता लग जाएंगे। बाकी मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो इस वक्त ये एक रेस्टोरेंट है, तो भूख लगी है तो खा सकते हो, इन्जॉय करना है तो इस साइड है। मतलब यहाँ पर ना एक चीज़ और बता दूँ यार, स्पेसिफिकली ना कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पर, तो ये कोई रिजॉर्ट वगैरह टाइप है। इसी के अंदर आप एंट्री करके यहाँ पर में साइड में बाइक या जो भी का कार वगैरह से जिससे भी आते हो आप वो पार्क कर सकते हो। ठीक है तो चलिए थोड़ा सा और दिखाते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। दोस्तों अभी अपन लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, जो आपको रेस्टोरेंट बताया था, तो अब हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्या खाना है यहाँ पर। तो साहब क्या ऑर्डर किया हमने? भाई ने ऑर्डर दिया वेजिटेबल नूडल्स और कुछ ही देर में आने वाला है और क्या करने वाले हैं खाने वाले हैं। मतलब वैसे तो कुछ हेल्दी खाने का सोचा था बट जिस टाइम पर मुझे लग रहा है हम लोग आए हैं ना, तो शायद यहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है बिकॉज लंच का टाइम हो चुका है इस वक्त, तो डिसाइड कि यार यही सब है। हमारा भाई जूस पीने वाला था वो भी वेजिटेबल, अवेलेबल नहीं है इनके पास। भाई 4:18 हो रहे हैं, लंच फिनिश हो चुका है, तो 4:18 में कहाँ से मिलेगा भाई? लेकिन लंच कुछ समझ नहीं आया सही में, कुछ समझ नहीं आया यार सच्ची में। ताकि आज का दिन वर्त रहा हमारे लिए, यहाँ आना वर्त रहा हमारे लिए और पता ही आपको। तो एक बार आता है खाना तो फिर खाते हैं फिर तो अब यहाँ से ख़त्म ही करेंगे बिल्कुल, अब क्योंकि अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं तो अब यहाँ से फिर निकलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको थोड़ा बहुत जो भी बचेगा। ठीक है अभी जब तक ऑर्डर किया आ रहा है तब तक वेट करिए।
विद फैमिली अगर आ रहे हो तो आपको खर्च करना बनता है, और काफी मजा आएगा फैमिली के साथ। आप देख सकते हो फैमिली के साथ अगर आप कोई एक्टिविटी करोगे तो उसका जो एंजॉयमेंट है वो 4 गुना क्या 100 गुना बढ़ जाता है। हां, एंजॉयमेंट इनटू 100 हो जाएगा फिर। और अब बाकी ऐसे कुछ नहीं, और हमने बहुत सारी फोटोज क्लिक करी है। फोटोज देखने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल देता हूँ यहीं पर कहीं पर। और इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, और अगर वीडियो यहाँ तक देख चुके हो और पसंद आई है तो क्या क्या करना चाहिए? अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।